वो है मुरब्बई हरम। जैसे हमने मंशूर में समझा है, एक एक कायदे या बेस की बुनियाद पर मंशूर के नाम होते हैं, इसी तरह हरम में भी कायदे या बेस की बुनियाद पर नाम होते हैं। तो पहली जो शक्ल है वो मुरब्बई हरम, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि इसका कायदा मुरब्बई है। और इसकी जो ऊपरी उमूदी सतह है वो मुसल्लसी रहती है, उसका ऊपरी जो किनारा रहता है वो नुकीला होता है। इसकी जो सतह रहती है वो पांच होती है, और रास या राशि नुकात वो पांच होते हैं, और किनारे वो आठ होते हैं। उसके बाद है दूसरी शक्ल मुखमसी मंशूर। मुखमस यानी पांच, इसका जो कायदा रहता है वो मुखमसी रहता है, इसलिए इस हरम को मुखमसी हरम कहते हैं। इसका जो उमूदी सतह होती है वो मुसल्लसी होती है, और ऊपर का हिस्सा इसका भी नोकीला होता है। इसकी जो सतह है वो छः होती है, रास और यानी राशि नुकात वो भी छः होते हैं, और इसके किनारे 10 होते हैं। उसके बाद तीसरी शक्ल है, वो है मुसद्दसी हरम। मुसद्दसी हरम यानी इसका जो कायदा होता है, इसका जो बेस होता है वो मुसद्दसी होता है, इसलिए इस हरम को मुसद्दसी हरम कहते हैं। इसकी जो सतह रहती है वो 7 होती है, इसके रास या राशि नुकात वो भी 7 होते हैं, और इसके किनारे 12 होते हैं। इस तरह से ये शक्लें होती हैं।